दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जो है इको का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं पेट्रोल में। तो दोस्तों ये खड़ा हमारा पीछे कंपनी सीएनजी इको मॉडल 2021 वाला है। ये सादा इंजन यानी कि 1196 सीसी का जो सिंपल इंजन आता था वही वाला इंजन में हम जो है ये माइलेज टेस्ट करने वाले है। और जो गाड़ी का पावर है 73 BHP के आसपास और जो है टॉर्क है 105 Nm का। तो ये है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन G12B इंजन है, मतलब इसमें ड्यूल जेट इंजन नहीं है क्योंकि ये 2021 मॉडल है। ड्यूल जेट इंजन अभी अभी आया है, 2-3 महीने हुए हैं शायद से। तो ये सादा इंजन पुराना वाला इंजन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो अभी भी जो है पुराने वाला मॉडल ही यूज़ करते हैं क्योंकि यही गाड़ी है, यही वर्जन है जो बहुत ज़्यादा बिका है इको में। क्योंकि आज इस ढक्कन का जो है उपयोग होना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इस वाला ढक्कन का उपयोग होता है क्योंकि जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया है तो यार CNG में चलाना बनता है। तो यहाँ पे ये देखो पेट्रोल ऑलरेडी मैंने ले रखा है और यहाँ पे आप फुटेज देखो जहाँ पे मैंने 1 लीटर पूरा पेट्रोल लिया है। तो दोस्तों माइलेज टेस्ट कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारी हाईवे की ही ड्राइव रहेगी विदाउट एसी और ड्राइव रहेगी हमारी 80 और 90 की स्पीड के आसपास। और जो है हमने फिलहाल जो है पेट्रोल टैंक इसका बिल्कुल खाली कर दिया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो है लगाएंगे सेल्फ गाड़ी का पेट्रोल में क्योंकि पेट्रोल में अभी गाड़ी जो है झटके ले रही है, एटलीस्ट पूरा खत्म नहीं होने दिया है, नहीं तो यार फ्यूल इंजेक्शन पंप आता है वो खराब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे गाड़ी का सेल्फ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी हमारी जो है स्टार्ट हो गई है और जो है एकदम झटके ले रही है, एटलीस्ट पूरा पेट्रोल नहीं खत्म होने दिया है मैंने। और जैसे ही यहाँ पे मैं एक्सीलेटर पे पावर रखूंगा तो गाड़ी जो है ज्यादा झटके मारने लग जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं एक्सीलेटर बिल्कुल दे रहा हूँ पूरा, बट जो है गाड़ी के RPM देखो अभी जो है फिलहाल गाड़ी हमारी ऑफ हो चुकी है। आप ये सब जो है ज्यादा मत करो क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो है कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। माइलेज टेस्ट ऐसे करेंगे कि आगे जाके हाईवे पे जैसे ही ये इंजन लाइट आ जाएगी तो तब वहाँ पे गाड़ी हम जो है स्टॉप कर देंगे और जो है यहाँ पे किलोमीटर देख लेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर भी साथ साथ में हम जीरो कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप ए को हमने जीरो कर दिया है, देख सकते हो जीरो एकदम। और जैसे ही ये इंजन लाइट आ जाएगी यानी कि अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी वहाँ पे हम जो है गाड़ी बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, ज़्यादा सेल्फ नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है कार्बन भी घिसता है और जो है इससे जो है फ्यूल पंप में भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डालते हैं यहाँ पे इस वाली पेट्रोल की बोतल को। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है पेट्रोल का कैप खोलते हैं क्योंकि जो है पेट्रोल डालना है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। पूरा निचोड़ के डाल दिया है क्योंकि जो है बूंद बूंद जलना चाहिए। तो दोस्तों आप भी जो है कहीं पर भी फंसते हो या फिर आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको जो है घबराना नहीं है, पेट्रोल डाल लेना है, उसके बाद जो है इस वाले इग्निशन को 4 बार ऐसे जो है चाबी को जो है चालू बंद करना है, ऐसे करके जो है अपनी हूं करके जो मोटर की आवाज़ आती है उससे क्या होता है कि अपना पेट्रोल का सप्लाई पूरा इंजन की ओर आ जाता है, यानी कि जो भी पाइप वगैरह खाली है वो जो है मोटर की इलेक्ट्रॉनिक मोटर की वजह से जो है भर जाती है। तो ऐसे 4-5 बार ही ऐसे करना है आपको, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कर लिया फिर से बंद कर दिया, फिर से कर लिया फिर से बंद कर दिया, ऐसे करके आपको जो है कम से कम 5 बार ऐसे करना है जिससे कि क्या अपना फ्यूल पंप में जो भी पेट्रोल है मतलब एयर आ गया है वो जो है निकल जाए। ऐसे पढ़े लिखे यार बहुत ही ज़्यादा मेरे से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूबर भी यार कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, क्या करते हैं पेट्रोल डालते ही सेल्फ ठोकने लगते हैं। यार इसमें क्या है कि कार्बन भी जलता है साथ साथ में मोटर भी खराब होती है, तो इससे बेहतर तो यही है। तो अब हम सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी की जो है कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी, देखना भी देखिए कंप्लीट चालू हो गई, अब जो RPM भी बढ़ेगा देखना आवाज आई होगी आपको। तो ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया, अब हम निकलते हैं इस वाले NH हाईवे की तरफ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों हाईवे की तरफ हम जो है बढ़ गए हैं धीरे धीरे यहाँ पे और जो है गाड़ी है फिलहाल अपनी पेट्रोल पे, देख सकते हो यहाँ पे लाल वाले सिंबल से, और हम जाएंगे अहमदाबाद वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे और 10 किलोमीटर रिटर्न आएंगे। तो मैं कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी गाड़ी को CNG में नहीं करूंगा, सिर्फ पेट्रोल में ही चलाऊंगा। और जैसे ही गाड़ी पिकअप छोड़ेगी या फिर इंजन की लाइट आ जाएगी यहाँ पे तो वहाँ पे गाड़ी को तुरंत स्टॉप कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सीधा हाईवे चला जाता है लुणावाड़ा की तरफ, बट जो है हम अहमदाबाद वाला हाईवे के ऊपर जो है चढ़ रहे हैं क्योंकि ये अच्छा हाईवे है और पेज भी जो है काफी लंबा मिल जाएगा। तो गाड़ी को हमने जो है AC में बिल्कुल भी नहीं चलाया है और आप लोग यहाँ पे लाइव देखो गाड़ी पेट्रोल में ही हमारी चल रही है। तो कोई ये कह देगा कि यार आपकी गाड़ी में तो CNG था तो आपने CNG में कर लिया होगा बीच रास्ते में, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा
क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, करीब जो है 7,500 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो यार इतने सारे लोग के साथ हम जो फ्रॉड नहीं कर सकते तो यार इसी वजह से मैं प्योर टेस्ट करूंगा प्योर पेट्रोल में। तो देखो यार हम अपनी स्पीड रखेंगे करीब 80 के आसपास, 80-90 जैसे हम नॉर्मली चलाते हैं वैसे ही। और बाकी जो है पेट्रोल की पिकअप तो यार आप बोल ही नहीं सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ऐसे रॉकेट की तरह भागती है गाड़ी। सीएनजी में जो है कहीं ना कहीं बीएचपी और जो है पावर का डिफरेंट आ जाता है, 10 NM टॉर्क का जो है डिफरेंट आता है, और वैसे अगर यार थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आ ही जाता है, तो यार इसे कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क पड़ता है। बाकी यार पेट्रोल गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है यार, फन टू ड्राइव है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी गाड़ी चल चुकी है 3.2 किलोमीटर, फोन आ गया था यार इसी वजह से जो है वीडियो पुश करना पड़ा, बट जो है हम फ्रॉड नहीं करेंगे फिर से बोल रहा हूँ। और जो है गाड़ी के बारे में बताऊँ तो यार 1196 cc का इसमें इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन G12B इंजन अपने को मिलता है इसमें। और जो है गाड़ी चलाने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, CNG में भी इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है इस इको में। बाकी जो है कंपनी ने भले ही नया मॉडल निकाल दिया है, भले ही ड्यूल जेट इंजन कर दिया, भले ही के सीरीज इंजन डाल दिया, बट जो मज़ा पुराने इंजन में आएगा वो जो है नए इंजन में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इको की आवाज़ के साथ भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिससे प्यार हो जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का बोर्ड आ गया है, यहीं पे आगे से ही गुजरता है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और ये है अपना NH-47 इंदौर अहमदाबाद वाला हाईवे। बाकी जो रोड जो है अच्छा ही है, इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है, हम इसमें माइलेज टेस्ट अपना आराम से कर सकते हो। बाकी जो है हमने स्पीड रखी है यहाँ पे 80 की, वीडियो थोड़ा बहुत जो है लंबा हो जाएगा, बट जो है आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। देखो दोस्तों ये टेस्ट मैं अकेला ही कर रहा हूँ, गाड़ी में दूसरा कोई भी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ अकेला ही, क्योंकि यार जो 4-5 लोग बैठे होंगे तो 1-2 किलोमीटर इसमें से माइनस कर लेना, तो वो आपको जो है आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने भी सीट बेल्ट पहन रखा है, आप लोग भी सीट बेल्ट पहन कर ही ड्राइव करें यार, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचे यार, घर से निकले हैं तो घर पे भी यार कोई वेट कर रहा है तो उनके बारे में भी यार जरूर से सोचे। और बाकी जो है हम यहाँ पे आईफोन में शूट कर रहे हैं अपना वीडियो, तो यार आईफोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, आग के गोले की तरफ अभी गर्म हो गया है यार, पीछे की तरफ से जहाँ पे एप्पल का लोगो आता है वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है यार फोन, पता नहीं ऐसा क्यों यार, मेरे ही फोन में दिक्कत है यार, सारे फोन में होता है। कोई आईफोन यूजर है तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आईफोन इतना ज्यादा गर्म होता है। फिर भी जो है वीडियो तो जो है काफी अच्छी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो है गाड़ी को ऑलमोस्ट 8.2 किलोमीटर चला लिया है, और जो है आगे आ जाएगा वावड़ी का टोल प्लाजा, तो वहां से हम जो है यू टर्न मार के रिटर्न हो जाएंगे, और देखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना चलती है यार। आज मुझे भी यार बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यार बहुत वीडियो में देखा कि इको 15 से माइलेज नहीं देती, और जो है मैंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है इस गाड़ी के साथ, बट माइलेज टेस्ट किया नहीं है, बस एक आइडिया है कि इतना गाड़ी देगी, तो आज जो है मुझे भी प्रूफ हो जाएगा कि गाड़ी कितना निकल के देती है। घर से ऐसा मुड़ करके निकला था कि आज जो है सीएनजी का इसका माइलेज टेस्ट करेंगे टैंक टू टैंक मेथड से, बट जो यार पेट्रोल कम था तो सोचा कि पेट्रोल फूक डालते हैं, उसके बाद जो है 1 लीटर पेट्रोल डाल के देखते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो यार ऐसे है यूट्यूबर का यार लाइफ, कहीं भी यार कंटेंट बदल जाता है, और कहीं भी निकलते हो कुछ और लेने के लिए और मिल जाता है कुछ और, ऐसा ही हालत होता है यार। बाकी जो है गाड़ी चल रही है एवन, और बाकी टेम्परेचर है करीब 35 डिग्री से प्लस ही है यार, इसीलिए इतना ज़्यादा फोन गर्म हो रहा है अभी फिलहाल। बाकी जो है हाईवे एवन है, स्पीड रखी है हमने 80-90 के आसपास। यहाँ पे आ गया है वावड़ी वाला टोल प्लाजा, गाड़ी हमारी चली है 11.3 किलोमीटर, तो हम जो है यहाँ से मारते हैं यू टर्न। बाकी जो है यार एक क्वेश्चन है कि मैंने जब जो है यहाँ पे पेट्रोल खत्म कर दिया, तो आप जो है ऐसे ये इस वाले पीले बटन को, यानी कि सीएनजी का जो फ्यूल कन्वर्टर स्विच है उसको दबा कर आप 15 से 20 सेकंड इसको दबा कर रखो, तो आपकी गाड़ी सीएनजी में भी अपना सेल्फ लग जाएगा, इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं कैरी करना पड़ रहा है यार, ये फायदा है कमने फिटिंग सीएनजी का। यहाँ पे जब भी पेट्रोल खत्म होगा तब मैं यहाँ से ये पीला बटन दबा के रखूंगा, और जो है मैं सीएनजी में सेल्फ लगा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं फ्यूल पंप तक तो एटलीस्ट आसानी से पहुँच जाऊँगा। दोस्तों ये जब भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हमारे साइड बन जाएगा, तब जो है गाड़ी की टॉप स्पीड या फिर जो भी माइलेज वगैरह जो भी टेस्ट करना है वो करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बाकी दोस्तों जो गाड़ी अभी तक जो है चली है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर, और जो है गाड़ी ने यहाँ पे अभी फिलहाल एक झटका लिया और उसके बाद जो है कम्प्लीटली फिर से रनिंग करने लग गई है, तो देखते हैं अभी तक जो है गाड़ी इतना आगे की ओर जो है खींचती है। मुझे लगता नहीं है कि शायद से मैं जहाँ निकला हूँ वहीं तक मैं पहुँच पाऊँगा, शायद ही,
देखते हैं बाकी। तो दोस्तों यहाँ पे 16.5 किलोमीटर चलने के बाद जो है गाड़ी ने बिल्कुल ही जो है एक्सीलेटर लेना छोड़ दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फुल मैंने पंजा दाब रखा है, फिर भी जो है गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। जैसे ही मैं गाड़ी को न्यूट्रल करूंगा तो शायद से बंद हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी लाइव बंद हो गई हमारी। रिजल्ट आपके सामने है 16.6, यानी कि जो है 16.5 का माइलेज हमको यहाँ पे मिल गया है 1 लीटर पेट्रोल में। आप जो है गाड़ी को साइड में कर देते हैं बिल्कुल, कि जो है रास्ते में किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जो है शायद से मैं एक बारी आपको सेल्फ लगा के दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाड़ी अभी भी पेट्रोल में ही है, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है। इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है तो अब जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। शॉकिंग रिजल्ट था 16.6, यानी कि जो है 16.5 का जो है ऑलमोस्ट माइलेज दिया गाड़ी ने 1 लीटर पेट्रोल में। मेरा भी डाउट जो है पूरा हो गया कि जो है इकोप 1 लीटर के पेट्रोल में जो है क्या माइलेज देती है, यानी कि इको का माइलेज क्या है पेट्रोल में, वह जो है पूरी तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो है गाड़ी ऑलमोस्ट 16.5 का माइलेज दिया है। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी माइलेज दिया 16.5 का, तो यार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं तो यहाँ से 15 के नीचे ही मैं एक्सेप्ट कर रहा था, बट जो है 1.5 किलोमीटर गाड़ी ने ज्यादा माइलेज दिया। यहाँ पे लाइव अभी प्रूफ होता है गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। और ड्राइव हमारा रहा था फुल हाईवे के ऊपर और स्पीड रखी थी हमने 80 एक्यूरेट स्पीड थी हमारी, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि 16.5 का गाड़ी ने माइलेज दिया। मैं पूरे वीडियो का मकसद यही था कि गाड़ी कितना माइलेज देती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो आज यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ हो गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा यार, पूरा देख लेना। मिलता हूँ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो के साथ, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।